गुड मॉर्निंग दोस्तों, वैष्णो वृंदा ब्लॉक में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे अरहर की दाल और चावल। दोस्तों ये जो हमारी दाल है ये देसी दाल है, बारीक वाली जो होती है अरहर की दाल। आज हम बनाएंगे अरहर की दाल और चावल। और दोस्तों हम इसमें मसाले डालेंगे, वो आपको दिखाते हैं अभी कौन कौन से मसाले हम इसमें डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हम मसाले डालेंगे। इसमें हल्दी है, कश्मीरी मिर्च है, नमक है, धनिया पाउडर है, राई है, तेज़पत्ता है, और ये हमारा गरम मसाला है। इसमें जीरा है, लौंग है, गोल मिर्च है, दालचीनी है। तो दोस्तों ये हम मसाले डालेंगे। और उसके बाद दोस्तों ये हमारे दो टमाटर हैं, दो हरी मिर्ची है और दो लाल मिर्ची है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन मिर्च तो दोनों में ही है, लेकिन सिर्फ कॉम्बिनेशन अच्छा दिखने के लिए हम दो लाल मिर्च लिए हैं और दो हरी मिर्च लिए हैं। दोनों ही फ्रेश हैं, ये भी सूखी नहीं है, ये भी ताज़ी है और ये भी ताज़ी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अरहर की दाल बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, पानी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे अपनी अरहर की दाल। 250 ग्राम दाल है ये। और दोस्तों इसमें हम थोड़ा डाल देंगे नमक और थोड़ा डालेंगे हल्दी। ये देखो दोस्तों, थोड़ी हल्दी डाल देंगे बस, और इसको हम लगा देंगे अब ढक्कन। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें डाल रहे हैं सरसों का तेल। दो चम्मच सरसों का तेल डाल रहे हैं इसमें हम। देखिए इसमें दो पत्ते डाल रहे हैं अपने, तेज पत्ता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जीरा है, जीरे में हमारी लौंग है, गोल मिर्च है, जावित्री है और दालचीनी है। और इसी में दोस्तों आप डाल देंगे अपनी हरी मिर्च जो दो रंग की है, जो हमने काट ली है। इसको हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हम डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, इसमें हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, इसमें हम डाल रहे हैं जीरा पाउडर, इसमें डाल रहे हैं थोड़ी राई। और दोस्तों हम इसको सब भूनेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, गैस हमने स्लो कर रखी है ताकि हमारा मसाला जले नहीं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान मसाले पर है। तो दोस्तों अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए दो टमाटर, एक
चलाएंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा मसाला, देखिए दोस्तों ये हींग है, हम पहले डालना भूल गए थे, इतना भी डाल रहे हैं कोई बात नहीं। हम इसको अच्छे से मसाला भूनेंगे, देखिए अच्छे से मसाला भून रहा है हमारा। देखिए दोस्तों अब इसमें हम डाल देंगे नमक, अच्छे से चला देंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है, ये हमारा थोड़ी देर में तेल छोड़ देगा, फिर हम इसमें डालेंगे अपनी अरहर की दाल। ये देखिए दोस्तों मसाला भूनना ही बड़ी बात है, क्योंकि मसाला भुनेगा तो आपकी दाल हो या सब्जी हो टेस्ट आएगा ही आएगा। देखिए दोस्तों ये हमारा दाल का पानी है, यही हम डाल देंगे इसके अंदर मसाले के लिए, और इसका मसाला अच्छे से भूनेंगे। दाल का मसाला क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, जबरदस्त मसाला। तो देखिए दोस्तों अब हम अपने डाल देंगे इसमें दाल। तो देखिए दोस्तों दाल हमारी बनके तैयार है, देखिए। और दोस्तों अब इसमें हम डाल देंगे अपनी हरी मिर्च चीर के, और इसमें से हमने बीज निकाल दिए हैं क्योंकि हमने पहले ही इसके अंदर हरी मिर्च डाल रखी है, देखिए दोस्तों। और दोस्तों इसी बीच में हम डाल देंगे अपना गरम मसाला। तो देखिए दोस्तों अब हमारी दाल थोड़ी लग रही है गाढ़ी, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। देखिए दोस्तों बहुत ही गाढ़ी हो रही है क्योंकि हमने इसको खाना है चावल के साथ, अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा पानी। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए अब हमारी दाल पतली हो गई है, इसके अंदर एक उबाल आने के बाद हम इसको देंगे उतार। देखिए दोस्तों अब इसमें हम एक मारेंगे देसी घी का तड़का। दोस्तों दाल के अंदर देसी घी का तड़के का मतलब है दाल में जान और डाल देना। ये देखिए हमारी दाल कितनी बढ़िया है चावल के साथ खाने के लिए। तो देखिए दोस्तों अभी हम इसको दाल में अपनी मारेंगे तड़का जीरे का। ये देखिए हमारे जैसे ही अच्छे से तड़क जाएगा फिर हमारे एकदम तड़का अपनी दाल के अंदर। ये देखिए सरसों का तेल का तड़का और Thank you.
देखिए दोस्तों, ये हमारा तड़का है और इसमें है एक चम्मच देसी घी, वो भी गाय का। ये देखिए, अब हम इसमें मारेंगे तड़का। ये देखिए, और इसको हम डाल देंगे। तो देखो दोस्तों, ये हमारी अरहर की दाल है और ये हमारे जीरा राइस हैं। ये देखो दोस्तों, हमारी बहुत ही अच्छी दाल खुशबूदार, एकदम देखिए एकदम मस्त दाल। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी अरहर की दाल बनके तैयार है। तो दोस्तों, मम्मी आपके सामने बनाई है, देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। आप भी बनाइए दोस्तों, एंजॉय कीजिए बच्चों के साथ में। तो दोस्तों, फिर वही बात बोलूँगा कि जो हमारे नए साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे पुराने नए दोस्त हैं वो भी हमारे वीडियो को आजकल बहुत ही अच्छी तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हम साधारण खाना बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री राधे।